Lately, I've been losing sleep. Hello guys, this is Shashikant. मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे मैं थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ हूँ और मुझे लगा कि इट्स रियली वर्क एंड मेरी ही प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ना जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम होती होगी कि हम है ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं. हम लोग बी द बेस्ट योर सेल्फ मतलब नहीं होते अपना. हम अपना कंपेयर ऐसे लोगों के साथ में करते हैं कि हमें अपने आप को डिप्रेशन में फील करने लगते हैं. जैसे कि सच में बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ में हुआ होगा. पहले आई वॉज डूइंग कि यार ये मेरे से बहुत आगे निकल गया, यार मैं इसके जैसा नहीं कर सकता और मैं यार इसकी तरह बोल नहीं सकता, इसकी तरह मेरा पर्सनालिटी नहीं है और ना जाने क्या क्या अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं, राइट. सो इसी के लिए मुझे सोचा कि मेरे को बताना चाहिए और आई होप सो गाइस कि आपको ये पूरा देखिए लास्ट तक, देन मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको समझ में आएगा. मैं चाहता हूँ कि बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. तुम जो कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपना बेस्ट बनिए, दूसरे का बेस्ट नहीं. इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी वैल्यू है वो खुद ब खुद अपने आप में एक मिसाल बनेगी. कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि मैं ये हूँ, इतना अच्छा हूँ. सो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ओके, जरा देना पर्स प्लीज. हाँ, दैट वे. मेरे जेब में कुछ रुपए हैं, मैं निकालना चाहता हूँ. सबसे बड़ा रुपीस इन ओमान का ये है 50 रियाल. 50 रियाल इन द सेंस आई कैन सी दैट. और 50 रियाल और ये इंडियन करेंसी, इसकी वैल्यू है 10,000 अराउंड 9,500 रुपीस. सो अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ. सो गाइस देखिए, देख लिया. ओके, अभी भी ये 50 रियाल है, राइट. अभी भी मैं इसे फोल्ड बाय फोल्ड कर रहा हूँ, अभी भी 50 रियाल है, राइट. अच्छा, मैं अगर तुमको 50 रियाल ये दूँ तो आप लोगे, राइट. सबको, किसको नहीं चाहिए? क्या आपको नहीं चाहिए? जरूर चाहिए होगा यार, 10,000 रुपये हैं इंडिया के. अगर मैं किसी को दूँ तो जरूर लेगा. कुछ लोग इसलिए नहीं आते, मतलब नहीं सोच रहे होंगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए. चलो ठीक है. सो इसकी कीमत 50 रियाल, अभी भी इसकी कीमत 50 रियाल है, अभी भी इसकी कीमत 10,000 रुपये. मैंने इसका एकदम मरोड़ दिया. अभी भी लोगे या किसी को दूंगा वो लेगा? जाहिर सी बात है, ले लेगा. और एकदम मैंने एकदम दबा के मसल दिया है, देख लीजिए, आप लोग विश्वास नहीं होगा. एकदम दबा दिया, मसल दिया है. अभी भी इसकी कीमत 10,000 रुपये है इंडिया के. और फिर भी बोलते ना, आपकी लाइफ में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, इससे ज़्यादा आने वाली है. इसमें तो कुछ नहीं है, इसको तो मैंने खाली दबाया पटका है और आपको भी एकदम निचोड़ लिया जाएगा. इतनी सारी मुसीबत आ जाएगी ना, आप उधर ही बिखर जाओगे. क्या पता मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, क्या पता बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप फंस जाओगे. तो जब ये अपना रंग नहीं बदल रहा है, 50 रियाल का 50 रियाल ही है इसकी वैल्यू, तो जब हम पर इतनी सारी परेशानियाँ और इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर भी हम अपना रंग क्यों बदल देते हैं? हम क्यों हार मान जाते हैं? हम क्यों जो सपना पूरा करना चाहते हैं हम क्यों नहीं पूरा करना पाते? अभी भी इसकी कीमत 10,000 रुपये है. देखिए इसे, इसके ऊपर मैंने कितना अत्याचार किया, फिर भी. सो गाइस, नहीं होना अपने को आप किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम में आ जाए. इवन समटाइम आई ऑल्सो डिफ्रेस कि किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. मेरी भी लाइफ में है, मगर मुझे प्रॉब्लम्स लेके बैठना थोड़ी है.
कि यार प्रॉब्लम है। जितना मैं प्रॉब्लम देखूंगा उतना मेरे लिए प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, और जितना मैं सोल्यूशन के बारे में देखूंगा उतना मेरे लिए सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा। सो यही एक लर्निंग था। मैंने जिस तरह नोट को उसके ऊपर भी बहुत सारी मारा कूचा पर दबाया दम मरोड़ दिया, तो वो अब उसकी वैल्यू 50 रियाल है प्लस इंडिया की जो है 10,000 रुपये है, उसकी वैल्यू स्टिल है। तो आपके ऊपर भी जो भी परेशानी आ जाए ना, बस ध्यान रखिए अपनी वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू खुद रहेगी वो। थैंक यू गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि यार कि सबको कहीं ना कहीं से एक नॉलेज मिलती रहे, जिनकी कुछ लोगों के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ना वो वहीं पे दबे पड़े हुए हैं। यार अपने माइंड को खोलो, अपने दिमाग को खोलो, सीखने के लिए बहुत कुछ है इंडिया में बाहर बहुत कुछ है, हर चीज़ से सीख सकते हैं। अगर अपना दिमाग ही नहीं खोलना चाहते, अपने आप को आगे बढ़ने ही प्रोग्रेस करने में रोकना चाहते हो और कंपेयर करना चाहते हो कि दूसरा लड़का आगे निकल गया, मेरा फ्रेंड आगे निकल गया, मेरे घर वाले करने नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम नेगेटिविटी में आके फंस जाएंगे। सो यू हैव टू बी, थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स को, और अपने ही आप बोलते हैं ना कि अगर आप दूसरों की मदद नहीं करोगे तो क्या सोच के रखे हो कि आपकी कोई मदद कर दे। तुम्हें पता है आप जब आप फीडबैक या कमेंट देते हो या किसी को शेयर करते हो तो मुझे इसका सब कुछ पता चलता है। और हाँ, अगर फीडबैक आपका कमेंट अगर कुछ भी है आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि मैं हाँ यार बोलते ना तुम्हारे एक कमेंट से ना मेरे को अंदर से एक और आता है वाइब्स होती है कि यार अब हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, लोग कमेंट दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है और आई फील ऑल्सो मोटिवेटेड कि यार हाँ मेरे को बनानी चाहिए ऐसी वीडियो। सो प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, मेरा चैनल तो अभी नया हूँ क्योंकि मुझे ये भी पता है आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी एक दिन वो भी मोमेंट आएगा। थैंक यू सो मच।